ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मेरा लाइव आने का बहुत बड़ा मकसद है कि एक मौलाना अनस है और सना खान है जिनकी शादी हुई है। अब वो सना ने सब कुछ छोड़ दिया है और एक अपने चाहने वाले से शादी की है, जो दोनों मिलके अपना घर बसाएंगे अल्लाह की राह में, जो भी वो लोग करेंगे। यार मुझे ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम मुसलमानों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम खुद तो मुसलमान बनते नहीं, लेकिन लोगों के पीछे लग जाते हैं कि तुम मुसलमान बन जाओ। अरे मेरे भाई, इस्लाम में सबसे पहले तो किसी की कमियां निकालना सबसे बड़ा गुनाह है, और जब किसी ने अपनी जबान से, अपनी आंखों से और अपनी बातों से किसी को नुकसान ना पहुंचाए, वही सच्चा मुसलमान है। तो क्या आप में वो सारी चीजें है? गीबत करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, किसी को नीचे खींचने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, किसी के ऐब, किसी की बातें दुनिया के सामने गिनाने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। तो ऐसी बहुत, इस्लाम बाल से बारीक और तलवार से तेज है मेरे भाई लोगों। तो जब तुम एक उंगली किसी पे उठाते हो तो तीन उंगलियां तुम्हारे तक आती है, ये याद रखना। किसी पे फतवा लगाने से या किसी की मजाक उड़ाने से या किसी को, आप लोग फेसबुक पे क्या कर रहे हो यार? आप लोग फेसबुक पे, आप लोग इंस्टाग्राम पे, आप लोग ये व्हाट्सएप पे, आप कर क्या रहे हो? फेसबुक पे आना भी हराम है, व्हाट्सएप पे आना हराम है, वीडियो बनाना हराम है, तस्वीर खींचना हराम है, गाने सुनना हराम है, बहुत सारी चीजें हैं इस्लाम के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे आका को इस दुनिया में भेजा ताकि हम जैसे बेअकल लोगों को अकल आ सके, सीख सके, उनकी बातों को फॉलो कर सके। तो पहले बातें शुरू होगी अखलाक से, पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है, तब अच्छे मुसलमान बन पाओगे। जब तुम अच्छे इंसान ही नहीं हो तो क्या अच्छे मुसलमान, क्या अच्छे हिंदू, क्या अच्छे सिख, क्या अच्छे ईसाई बनोगे? और अच्छा इंसान वो होता है कि किसी की खुशी में खुश होता है, किसी के दुख में रोता है, ना कि किसी के दुख में खुशियां मना रहा है। और प्लीज यार, बदल जाओ अल्लाह के वास्ते, बदल जाओ, बदल जाओ। क्योंकि इस्लाम को ना तुम लोगों की जरूरत है, ना मेरे जैसे की, ना किसी की, ना किसी मुफ्तियों की, ना आलिमों की और ना जालिमों की। हम मुसलमानों की रहनुमाई करने के लिए कुरान जिंदा है और कुरान में सब लिखा हुआ है, और अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, मेरे अमाल मेरे साथ, तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम पर, मेरे गुनाहों की सजा मुझ पर। एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो। केकड़े बन गए मुसलमान, केकड़े समझते हो? एक ऊपर चढ़ता है ना, चार मिलके उसको नीचे खींचते हैं। हमारी बदहाली और खुशहाली के जिम्मेदार हम खुद हैं। और अल्लाह ने कहा है कि मैं उस वक्त तक उस कौम की मदद करने नहीं आऊंगा जब तक वो कौम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है, याद रखना। और मैं कोई आलिम मुफ्ती नहीं हूं, मैं गुनहगार हूं और मेरे गुनाह मेरे साथ, मेरे अमाल मेरे साथ, मुझे सजा देगा मेरा अल्लाह ताला, उसी तरह तुम्हें भी सजा देगा वही।
तो अल्लाह से तौबा करो और लोगों की गीबत करना बंद करो, लोगों के घरों में झांकना बंद करो, खुद के अंदर झांको, तुम्हें दिख जाएगा सब कुछ। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना।